दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या फिर आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो कभी ना कभी आपका चैनल तो मोनेटाइज होगा ही, और जिनका चैनल पहले से मोनेटाइज है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो तो फ्यूचर में आपके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है, या फिर जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा उसके बाद भी आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे क्रिएटर को यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, जिसके कारण से उनका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। और ऐसा एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो जैसे ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट होता है, आपको जल्दी से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो YouTube आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देता है। और फिर जब तक आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करोगे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो जैसे आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट होता है, आपको जल्दी से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेना होगा। और एक और चीज़ है दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है फिर भी वो लोग अपने फ़ोन से ही अपने वीडियो को वॉच कर लेते हैं। कुछ भाई से मेरा बात होता है तो लोग बोल रहे थे, भाई मेरा चैनल मोनेटाइज है और अगर मैं अपने दूसरे अकाउंट से अपने वीडियो को वॉच करता हूँ तो क्या मेरे मोनेटाइजेशन में कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल भी हो सकता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने दूसरे अकाउंट से भी अपने वीडियो को वॉच नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक फ़ोन में 3-4 ईमेल आईडी लॉगिन करके रखते हैं और चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी अपने फ़ोन से ही अपने वीडियो को वॉच करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आप दूसरे अकाउंट से भी अपने वीडियो को वॉच नहीं कर सकते, ऐसे में आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। और एक और चीज़ है दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन से तो अपने वीडियो को वॉच नहीं करते लेकिन अपने फ्रेंड के फ़ोन से या फिर अपने घर में जो फ़ोन होते हैं उस फोन से बार बार अपने वीडियो को वॉच करते हैं। तो आपको ये गलती भी नहीं करना है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपको दूसरे फोन से भी अपने वीडियो को बार बार वॉच नहीं करना है। आप अपने वीडियो को एक बार वॉच कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे फोन से अपने वीडियो को एक बार वॉच कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसमें 4-5 अकाउंट है और अगर आप सोचोगे कि मैं सभी अकाउंट से एक एक बार वीडियो को वॉच कर लेता हूं, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा अगर आप लोग करते हो तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के थ्रू आपके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। और बहुत लोगों का दोस्तों इन रीजन के कारण चैनल डीमोनेटाइज भी हो चुका है और कुछ लोगों का तो मोनेटाइजेशन परमानेंट डिसेबल भी कर दिया गया है। तो ये सारी गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।